ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। मैं जो डूबा था गुनाहों में था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझको यूं आई, बेटे आने लूं मैं पा कैसी मीठी मधुर थी उसकी ध्वनि, मेरी खातिर सदीब राह चुनी, वो था बेऐब कुछ गुनाह ना था मेरे वास्ते गुनाह जो बना, प्यार ही प्यार था निगाहों में, था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझको यूं आई, बेटे आने लूं मैं पा सब सहे जुल्म खाए थे कोड़े, चोर डाकू थे आस पास खड़े, दुश्मनों ने था ऐसा जाल बुना, बरमला उसका था तमाशा बना, हाथों में और थे पांवों में, था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझको यूं आई, बेटे आने जिंदगी असल में है देती
प्यार की हद न थी कोई इंतहा, उसके लहू से ही मिली है शिफा। बादशाह वो है बादशाहों में, था मैं मदहोश जग की राहों में, एक आवाज मुझको यूं आई, बेटे आने से भरे रक्तवर्धक चुकंदर को आमतौर पर बहुत से लोग पसंद नहीं करते, लेकिन यह अनेक विटामिन, खनिज तत्वों और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। लाल रंग का दिखने वाला चुकंदर हमारी सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद है। इसके रस को पीने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है, साथ ही कई अन्य स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। चुकंदर के फायदे। चुकंदर के रस को पीने से थकान दूर होती है, यह शरीर में ऊर्जा बढ़ाता है। एनीमिया में सुबह शाम रोज एक कप चुकंदर का रस सेवन करना काफी फायदेमंद साबित होता है। इससे दिमाग की गर्मी तथा मानसिक कमजोरी तो दूर होती ही है, स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। जो लोग जिम में काफी वर्कआउट करते हैं, उनके लिए चुकंदर का रस बहुत फायदेमंद है। यह ऐसे लोगों की ऊर्जा का स्तर तुरंत सुधारता है। आप उच्च रक्तचाप के शिकार हैं, तो इसे पीने से केवल एक घंटे में आपका रक्तचाप सामान्य हो जाता है। चुकंदर का रस हाइपरटेंशन और हृदय संबंधी समस्याओं को दूर रखता है। खास तौर पर स्त्रियों के लिए यह बहुत लाभकारी होता है। पीरियड से संबंधित कई समस्याओं में इसका सेवन लाभप्रद होता है। चुकंदर का रस पीलिया, हेपेटाइटिस और उल्टी के उपचार में लाभप्रद होता है। इसके नियमित सेवन से कब्ज तथा बवासीर से भी बचा जा सकता है। इसका रस गैस्ट्रिक अल्सर से भी फायदा करता है। चुकंदर में बीटेन नामक तत्व पाया जाता है, जो शरीर में ट्यूमर बनने की आशंकाओं को नष्ट कर देता है। इस नियमित रूप से सैलड के रूप में खाते रहने से पेशाब की जलन में फायदा होता है। इसका सूप पत्री में भी लाभदायक है। औषधीय गुण। लाल लाल चुकंदर न सिर्फ आपको सेहतमंद रखता है, बल्कि खूबसूरती में भी चार चांद लगाता है। भोजन में चुकंदर खाने से नाखून लाल, मजबूत एवं चमकदार हो जाते हैं। चुकंदर के रस में टमाटर का रस तथा एक चम्मच हल्दी का पाउडर मिलाकर कुछ दिन लगातार सेवन करने से त्वचा का रंग साफ हो जाता है। रूसी हो जाने पर चुकंदर के रस में सिरका मिलाकर सिर पर लगाने से कुछ दिनों में रूसी ठीक हो जाती है। हाथ पैर बहुत फटते हो तो चुकंदर को
पानी में उबालकर उस काढ़े में हाथ पैर डुबोकर रखने से उनका फटना बंद हो जाता है। चुकंदर के ताजे पत्ते को मेहंदी के साथ पीसकर सिर पर लेप करने से बालों का गिरना बंद हो जाता है। सावधानियां: इसका जूस हमेशा किसी अन्य सब्जी या फल जैसे गाजर, सेब, अनार आदि के जूस में मिलाकर पीना चाहिए। खाली चुकंदर का जूस पीने से वोकल कॉर्ड में शनिक तकलीफ हो सकती है। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं। सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद के गहराइयों में यीशु था। सुबह हो सवेरे आँख खुली तो यीशु था, मीठी नींद के गहराइयों उतरा ये सुधा
सवेरे आँख खुले तो यीशु था, मीठी नींद की गहराइयों में यीशु था। रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्र, दूसरा राजा जो पुराने नियम में है 22:1-13 को पढ़े और जिन जिन बातों को मैं बताऊं उनको अंडरलाइन कर ले। योशिय्याह राजा से संबंधित जो भी संदर्भ दिए गए हैं उन्हें और उसकी घोषणाओं के नीचे लाइन खींच दे। जहां जहां समयों का वर्णन है उनके नीचे लाइन खींचे और वहीं लिख ले कि वो 640 ईस्वी पूर्व यरूशलेम का राजा बना। यहोवा के भवन का जहां वर्णन है उसके नीचे भी लाइन खींच दे। जब आप इस अध्याय को पढ़कर समाप्त कर ले तब इसमें आपने योशिय्याह के बारे में जो भी जानकारी हासिल की है उसकी एक सूची बनाए। वो कौन था, कहां से आया, उसके जीवन में क्या का घटित हुआ और उसने किसकी प्रेरणा से अच्छे काम किए, ये सब जानना आपके लिए आवश्यक है। तब आप पूरी तरह उसके बारे में जान पाएंगे। क्या योशिय्याह ने पहली बार न्याय की पुस्तक के बारे में सुना था, उसने परमेश्वर की क्या क्या आज्ञाएं थी, आप इसे कैसे जान पाएंगे कि न्यायों की पुस्तक कितनी पुरानी है। कि आप जानते हैं कि योशिय्याह राजा बना तब परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू न्याय की किताब की पुस्तक लिख। जब आप व्यवस्था विवरण 17:14-20 पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा ये कब कैसे लिखा गया। इन सब घटनाएं योशिय्याह के राजकाल के 1800 वर्ष में घटी थी जब वो मात्र 26 साल का था। उसके जीवन की बालकाल से लेकर 26वें साल के बीच क्या क्या घटनाएं घटी, क्या बाइबल इसके बारे में बताती है। हाँ, यहां वो वर्णन बहुत उत्साहित करने वाला है। इन्हें बाइबल में ढूंढने की कोशिश करें। आपको इससे संबंधित जो जो संदर्भ मिलते हैं उन्हें बाइबल के बाईं तरफ लिख लें। दूसरा इतिहास 34:1-8 में भी उसके बारे में अच्छे अच्छे वर्णन है जिसके बारे में अधिक जानने में सहायक है। सपनिया भविष्यवक्ता ने योशिय्याह के शासन काल में
परमेश्वर से एक संदेश प्राप्त किया था, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम की बुराई उसकी नजरों में बढ़ गई, अतः वो अपना हाथ बढ़ाकर उसका न्याय करने जा रहा था। उन दिनों योशिय्याह राजा यरूशलेम में ही रहता था और वहीं उसकी शहर पना थी। उन दिनों में परमेश्वर उन लोगों को दंड देना चाहता था जो अपने अपने घर की छत पर आकाश के गण को दंडवत करते थे और उन्हें दंडवत करते हुए यहोवा की सेवा करने की शपथ खाते और अपने मालिक की शपथ खाते थे। जो लोग अपने मनों में कहते हैं कि यहोवा ना तो भला करेगा न बुरा, उनको वो दंड देने के लिए उठ खड़ा हुआ। सपनिया जानता था कि जो संदेश उसे स्वर्ग से प्राप्त हुआ है वो उसे योशिय्याह तक पहुंचाए, क्योंकि वो उसका कर्तव्य था। परमेश्वर के संदेश को पाकर सपनिया ने क्या किया, ये जानने के लिए पढ़े सपनिया किताब 2:1-3। बाइबल अध्ययन करना वास्तविकता के द्वारा सच्चाई को ढूंढना है। सपनिया ने कहा था कि जहां तक हो सके परमेश्वर की खोज में रहो और उसे ढूंढते रहो। 634 ईस्वी पूर्व जब योशिय्याह केवल 16 साल का था, वो तभी से परमेश्वर को पाने की खोज में रहता था। उन्हीं दिनों प्रभु के भक्त और नबी के रूप में उसने भी अपने जीवन की शुरुआत की थी। आज दिन प्रतिदिन वचन के द्वारा ही इस विश्व में बेदारी आ रही है। हर कोई जागरूक है और चाहता है कि परमेश्वर को पाले। बेदारी की लहर आपके जीवन में भी आने वाली है। जितना आप वचन पढ़ेंगे उतना ही आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, आपकी विश्वास में बढ़ोतरी होगी। पहला कुरिन्थियन में पौलुस लिखता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि अपने हृदय से परमेश्वर की उपस्थिति को कम ना होने दे, क्योंकि वही तो हमारे अंदर ज्ञान का दिया जलाता है। दिन प्रतिदिन संसारिक उलझनों में हम इस कदर फंसे हुए हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन एक जलती मोमबत्ती की भांति जलकर नष्ट होता जा रहा है। क्या हम परमेश्वर की उन बातों को भूल गए हैं जो उसने अपने वचन के माध्यम से हमसे कही है? आप जहां स्त्री हो या पुरुष, यदि आपके हृदय के अंदर परमेश्वर को ढूंढने की चाहत है तो आप उसे ढूंढ ही लेंगे। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि आप बाइबल के वचनों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, क्योंकि उन्हीं से आपको वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा जो आपकी खोज में सहायक होगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को चुपचाप सुनता है और उनका समय पर जवाब भी देता है। निराश और परेशान ना हो, अब समय आ गया है कि आप भी परमेश्वर की महिमा को देखें, प्रभु की उपस्थिति में बने रहें और अपने स्वर्गीय आशीषों को ना खोने दें। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, कि आप इसके लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आपको दर्शन दे, आप परमेश्वर की महान महिमा को देख सके और परमेश्वर आपको सभी स्वर्गीय आशीषों को भर दे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो आइए मेरे साथ
प्रार्थना करें। महान जीवित परमेश्वर, हम आज तेरे पास आते हैं परमेश्वर पिता। हम संसार के उलझनों में फंसे हुए हैं, हमारा जीवन नष्ट हो रहा है प्रभु। हमें शक्ति दे कि हम तुझे ढूंढे प्रभु, पूरे मन से तुझे खोज सके, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है, बचाने वाला परमेश्वर है। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, अपनी बीमारियों को मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। मुझको ये सुख सुबह हो सवेरे आँख खुली तो ये सुख मीठी नींद के गहराइयों में श्रोताओ, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले। कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।